मैदान हर जगह से इन दिनों जल प्रहार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश का असर पंजाब में देखने को मिल रहा है और लगातार हो रही बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में हालात खराब होते जा रहे हैं। शिमला में भी बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तो कांगड़ा में भी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी बारिश के बाद नदियां उफान पर और कई जगहों पर पानी भर गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी लोग लगातार हो रही बारिश की वजह से परेशान हैं। तो नदियों में उफान की वजह से पंजाब के गुरदासपुर में भी सड़कों पर पानी भर चुका है। ये पांच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब से ये तस्वीरें सामने आई है। किस तरीके से वहां पर इस वक्त आसमानी आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, इन तस्वीरों के जरिए उनकी मजबूरी आप समझ सकते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश में कुदरत की कहर से जुड़ी हुई। हम आपको बताएंगे भारी बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में पहाड़ खिसकने की वजह से भयानक तबाही है। और इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन, कुल्लू, लाहौल स्पीति और सिरमौर में मूसलाधार बारिश होगी। खराब मौसम को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज एक दिन के लिए बंद कर दिया है। तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी बारिश की चेतावनी इन जिलों के लिए जारी की गई है। वैसे ही हालात यहां पर बद से बदतर होते जा रहे हैं और ऐसे में आने वाले कई दिनों तक अभी भारी बारिश की चेतावनी है। जाहिर तौर पर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। आसमानी आफत को झेल रहे हैं, एक एक करके तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश की वजह से हिमाचल के अलग अलग ऐसे हिस्से हैं जहां तबाही हुई है, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान शिमला में हुआ जहां पहाड़ की स्थिति, पहाड़ खिसकने की घटना की वजह से कई लोगों की जान चली गई। वहीं कई घर जमींदोज भी हो गए हैं। रेस्क्यू में जुटी टीमों ने अब तक करीब 1200 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। लगातार वहां पर टीम जुटी हुई है, लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 1200 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है। और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जहां पे रेस्क्यू टीमें बीते कई घंटों से लगातार लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। मन में एक उम्मीद लिए कि शायद कुदरत का कोई करिश्मा हो और कोई ऐसी जान वहां से निकले जिसे जिंदा माना जाए। देखिए किस तरीके से पेड़ों को काटकर मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि पहाड़ दरकने की वजह से सभी रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, कई घर जमींदोज हो चुके हैं और हर जगह सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। ऐसे में मशीनों की मदद से इस मलबे को हटाने का काम चल रहा है, कहीं कोई इस मलबे के नीचे दबा ना हो, ऐसी भी आशंका जाहिर की जा रही है। और शिमला की इस वक्त बात करेंगे, शिमला के समर हिल इलाके में भी बारिश की वजह से बड़ी तबाही मची है और भारी बारिश के बाद यहाँ जमीन खिसकने से एक शिव मंदिर इसकी चपेट में आ गया और जिसकी वजह से कई घर मलबे में दब चुके हैं। मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। रेस्क्यू टीमें लगातार जुटी हुई हैं, मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। शिव मंदिर जो कि जमीन खिसकने की वजह से मलबे में तब्दील हो गया था, कई जो भक्त थे जो उस दिन पहुंचे थे, सोमवार के दिन आपको बता दें कि हादसा हुआ था और जो भक्त वहां पहुंचे थे वो इस मलबे के नीचे दब गए थे। कई शवों को निकाला जा चुका है, लेकिन यहाँ पर देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। तो पहाड़ से मैदान तक जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। इस वक्त हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं और मेरे सहयोगी नीरज भी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। नीरज, आपके जरिए हम वहां की भयावहता समझ पा रहे हैं, रेस्क्यू टीमों के सामने कितनी बड़ी चुनौती है और आम लोगों की सीधे जिंदगी पे बनी है। मौसम विभाग का क्या कहना है, क्या अगला 24 घंटा भी खतरे से खाली नहीं? देखिए बारिश की आशंका तो हिमाचल प्रदेश में 20 तारीख तक है, लेकिन लगातार अब तक जो बारिश से प्रभावित इलाके हैं या बांध से पानी छोड़े जाने से प्रभावित इलाके हैं वहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के लिए आने वाले दिन बहुत खतरनाक कह सकते हैं, आशंकित हैं लोग यहां। लेकिन अब तक यहां एक बार फिर आपको दिखा दे, पानी की धार आपको दिखा दे, मुख्य भूमि से हम लोग अलग हैं। हम लोग जहां इस वक्त मौजूद है वो इलाका मुख्य भूमि से अलग है, हम लोग कटे हुए हैं, टापू पर एक आए हैं बीच में पानी में, क्योंकि आमतौर पर यहाँ से पानी नहीं गुजरता है, पानी यहाँ नहीं होता है, लेकिन पोंग डैम का पानी यहाँ हो गया है। जगताप जी हैं जो कि एनडीआरएफ के अधिकारी, वो आपको बताएंगे कि कितना मुश्किल हो रहा है। इधर से आप बताइए कि कितना मुश्किल हो रहा है।
सर, अगर बात करें कि पिछले जो दिनों में काफी बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है, जिसके कारण पोंग डैम का जो पानी छोड़ा गया था, यहाँ से पोंग डैम कितनी दूर है? यहाँ से सर अप्रोक्स तो 2 से 3, 4, 5 किलोमीटर के आसपास हो सकता है, लेकिन उसके जो पानी छोड़ा है उसके कारण जो है व्यास रिवर का जो पानी है वो काफी बढ़ गया, जिसके कारण जो लो लाइंग एरिया आ जाए वहाँ पे पानी भर गया है। ये लो लाइंग एरिया है, ये दिखाइए दिनेश जी पानी की तस्वीरें दिखाइए, आपको अंदाजा लग सकता है धारा के विपरीत बोट यहाँ पहुंच रहे हैं और लोगों को निकाले। इस गांव में आप पहुंचे हैं, अब तक कितने लोगों को निकाला, यहाँ कितने लोगों को निकालने आए हैं? जी अभी तक हमने 15 तारीख को 282 आदमियों को, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान, 282 आदमियों को निकाला था। उसके बाद अगले दिन 16 तारीख को हमने 96 आदमियों को रेस्क्यू किया है। इसके अलावा कल रात को भी लगभग 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक हमने एक ऑपरेशन किया, जिसमें एक व्यक्ति जो हार्ट का पेशेंट था, जिसको हमें सूचना मिली कि उसको हार्ट अटैक आया, जिसमें कि SDM इंदौरा, तहसीलदार पटवारी और अपने दो डॉक्टर्स जो है मौके पर हमारे साथ जो है रिवर क्रॉस करके रात को सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखते हुए हम पहुँचे। लेकिन जो सिविल डॉक्टर्स थे वहाँ पर मौके पर पहुँचने पर उन्होंने पाया कि जो विक्टिम था वो डेड हो चुका है। टोटल अभी आप लोगों ने 600 लोगों को निकाला है? जी सर, अगर बात करें हम NDRF टोटल मेरी सभी टीमों की बात करें तो लगभग 600 प्लस हम रेस्क्यू कर चुके हैं, और मेरी टीम की बात करें तो मैंने लगभग अप्रोक्स 400 के आसपास हमारी टीम ने रेस्क्यू किया। 600 लोगों को NDRF ने कांगड़ा से रेस्क्यू किया है और लगातार आपके जरिए हम ये समझ पा रहे हैं, हमारे दर्शक ये जान पा रहे हैं कि कैसे रेस्क्यू टीमें दिन